हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कृष्ण जन्माष्टमी में भगवान जी को ऐसा क्या अर्पित करें, कन्हैया लाल को आप क्या अर्पित करें जो कि आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाए। कन्हैया लाल बहुत ही दयालु है, बहुत ही प्यारा है, सर पे इसके मोरपंख विराजता है और ये बहुत ही प्रिय लगते हैं। कन्हैया लाल को आपको सबसे पहले रात को 12 बजे खीरे सेम का जन्म करें। खीरे को आप सुबह में एक कोई कपड़े में अच्छे से फोल्ड करके आप रख सकते हैं, उसमें नन्हे गोपाल को रख दीजिए और जब रात को 12 बजे तो उसमें उस कपड़े को खोलिए और कृष्ण भगवान का जन्म करिए। कृष्ण भगवान का जन्म करने के बाद आप उनको गंगा जल और जल से अच्छे से स्नान कराइए, या आप पंचामृत है तो पंचामृत से स्नान कराइए और फिर आपको दही से स्नान कराना है, फिर आपको जल से स्नान कराना है। उसके बाद उनको अच्छे से पोंछ के, अच्छे कपड़े पहना करके, अच्छे वस्त्र धारण करा करके झूले पे बैठा देना है। झूले पे बैठाने के बाद आपको घी जलाना है, घी का दिया जलाना है और फिर धूप जलाना है, उससे इनकी आरती करनी है। आरती करने के बाद आपको घर पर जो भी बना हुआ मिष्ठान है, मिष्ठान इनको अर्पित करना है। घर को अच्छे तरीके से आपको जन्माष्टमी के दिन घर को अच्छे तरीके से लाइट से सजा लीजिएगा। इसको सजाने से भगवान अति प्रसन्न होते हैं। भगवान को अच्छे तरीके से आपको घर का बना हुआ जो भी मिष्ठान है आप वो अर्पित करें, घर का बना हुआ प्रसाद। प्रसाद में सबसे मेन इंग्रेडिएंट दही होता है, तो दही माखन जरूर अवश्य अर्पित करें। फिर आपको भगवान को बांसुरी अर्पित करना है। बांसुरी कृष्ण भगवान को बहुत अति प्रिय होता है, बांसुरी अर्पित करना है। फिर आपको भगवान को मोरपंख अर्पित करना होता है। फिर कृष्ण भगवान को ये सब अर्पित करने के बाद उन्हें झूला झुलाइए। झूला झुलाने से बहुत भगवान प्रसन्न होते हैं। झूला झुलाइए। झूला झुलाने के बाद आप कोई भी अच्छा गीत गा सकते हैं भगवान के लिए। मथुरा और वृंदावन में बहुत अच्छे अच्छे लोग गीत गाते हैं, उसी तरीके से आप भी कोई अच्छा गीत गा सकते हैं भगवान के लिए। तो भगवान को गीत आप सुनाइए। उसके बाद आपको क्या करना है फ्रेंड्स, आपको कुछ भी अच्छी तरीके से बिल्कुल सजा हुआ एक मुकुट आता है, अब भगवान को अब लास्ट में आप मुकुट पहनाइएगा, क्योंकि अब भगवान जो है वो अब मुकुट पहन रहे हैं। मुकुट चढ़ा दीजिए भगवान को और फिर आपको भगवान को धनिया अर्पित करना है। फ्रेंड्स, आपको ये सब चीज़ इसलिए अर्पित करना है ताकि